हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ावाला की दुनिया। फुल वॉच के साथ में मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाजू में जो बेल आइकन है आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट वाली मैं बात करने वाला हूँ। सावधान हो जाइए, आज मैं ऐसी में बात करने वाला हूँ जो किसी ने भी बात बताई नहीं होगी। हाँ, व्हाट्सएप पे सभी लोग को शेयर भी सब लोग ने की होगी ये बातें, लेकिन अमल तो कोई करता भी नहीं है। बस ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ भाई, बात तो बहुत अच्छी कर दी है, चलो हम लोग अपने जैसे ही बर्ताव करेंगे। लेकिन गलत बात है, आप लोग में जो जिद्दी रहता है, आलसपना रहता है, वो पहले आलसपना को भगाइए। और आप लोग आलसपना की जिद्दी की वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी क्या प्रॉब्लम होता है तो आज ये वीडियो में सब कुछ आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के पीछे लगाते हैं कवर, और कवर के अंदर आप सभी लोग क्या रखते हैं, पैसा। 10 रुपये का नोट हो या 20 रुपये का नोट हो या फिर में 500 का नोट हो, आप कवर के पीछे हमेशा नोट को रखते हैं और कवर से ढक देते हैं। और मोबाइल जब हीट होता है तब क्या होता है, नोट ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म हो जाने की वजह से मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता है। इसके लिए मोबाइल के पीछे कभी भी नोट मत रखिए। दूसरी मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि आप लोग दूसरी गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं। मोबाइल जो रहता है तो मोबाइल के अंदर चार्जिंग पिन घुसा के आप लोग फोन पे से बातचीत करते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, हाँ, लेकिन वो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर जब मोबाइल जब ज्यादा हीट होता है तब मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकता है। इसके लिए चार्जिंग पिन पहले वहां से निकालिए और निकालने के बाद में मोबाइल पे आप बातचीत करिए। तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब मोबाइल को चार्ज करते हैं तब चार्ज करने के बावजूद भी मोबाइल चालू रहता है और आप लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, आप लोग सोशल मीडिया पे कामकाज करते रहते हैं, वो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। मोबाइल को पहले स्विच ऑफ करके रखिए। 100% चार्ज हो जाने के बाद में चार्जिंग पिन में से निकालिए और फिर बाद में आपको जो भी जहाँ पे भी एक्टिविटी में कामकाज करने का है वो आप कामकाज करिए। ये मोबाइल बहुत ही खतरनाक है, जितना मोबाइल अच्छा उतना बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। और चौथी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट वाली बात है कि बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल हाथ में मत दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे तक दीजिए, उससे ज़्यादा मोबाइल मत दीजिए। अगर मोबाइल देने से क्या होता है, हमेशा मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं और उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाते हैं या गुस्सा आ जाता है या आलसपन हो जाता है, कामकाज बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ये चार में आपको आज में चीज बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है कि हमारा जो मोबाइल है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मोबाइल को बराबर प्रॉपर इस्तेमाल करना जानते हो तो ही आप ये वीडियो को देखिए, सुनिए, जानिए और बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, वरना बिल्कुल भी कमेंट मत करिए, मुझे चलेगा। लेकिन आप गलती जो करते हैं वो गलती से आप बचिए और आपके परिवार को भी बचाइए।
सो यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ये नया वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और भी नए नए ब्लॉग वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।